नीमसार की तपोभूमि पर गोमती नदी के तट पर बनी सीढ़ियों पर झाड़ू लगाते सफाई का कार्य करते यह युवा कोई वेतन भोगी नहीं है बल्कि निशुल्क सेवाग्राही हैं। तो चलिए मिलवाते हैं इन सेवाग्राहियों से जो देश और समाज के लिए स्वच्छता का बीड़ा उठाए हैं, साथ ही अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? आपको कुछ वेतन मिलता है कहीं से? आप कितना समय देते हैं इसमें? हम लोग 6 घंटे समय देते हैं। मतलब नैमिष की सफाई में? नहीं, रुके हैं हम लोग बाहर से, गैर जनपद से। कहाँ से हैं? हरदोई जनपद से हैं जी। हरदोई में प्यानी कस्बा पड़ता है। यहाँ कितने देर रुकेंगे? यहाँ हम लोग रुकेंगे 5 दिन। अच्छा, ये रूटीन बनाया कि मतलब? हाँ, रूटीन है हम लोगों का। मतलब नैमिष ही जाते हैं कि? नहीं, हाँ। अभी तो हमने नैमिष से प्रारंभ किया है इसको, और हम भविष्य में चाहेंगे कि अन्य देवस्थान भी शार्ट करें जी। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? प्रेरणा क्या, हमारी एक 6 लोगों की टीम है। उसमें कौन कौन है, नाम बताइए? मेरा नाम अमन मिश्रा है जी, मनमोहन सिंह है, रितेश शर्मा है, बाकी अन्य बहुत से लोग हैं, लेकिन 6 लोगों की जो मुख्य टीम है, हम लोग यात्रा करते रहते हैं जी। आप रहने वाले सभी लोग? सब टोटल एक ही गाँव, हरदोई से। कौन सा गाँव, गाँव का नाम बताइए? मझिया पिहानी। अच्छा, तो ये मतलब आप काम करते कितने दिन हुए ऐसा काम करते हुए? अभी हम लोग जो यात्रा करते हैं लगभग होते हैं 3 वर्ष। 3 वर्ष से हम लोगों ने कई प्रदेश और लगभग उत्तर प्रदेश पूरा घूम लिया है। अभी तक यहाँ हम लोग आए थे 5-6 दिन पहले, एक हमारा यहाँ पर कार्यक्रम था जी। कार्यक्रम में देखा यहाँ पर गंदगी ज्यादा है जी, तो हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि यहाँ स्वच्छता होना चाहिए। पता नहीं प्रशासन ध्यान देता है नहीं ध्यान देता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर स्वच्छता। धन्यवाद बात करें।